हो रहा है, क्या हुआ तुझे? कोई बात। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक माई एंडर व्लॉग। दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि हम अपने पेट वाली वीडियो वगैरह बनाते हैं। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? कबूतर बीमार हो गया। कौन से कबूतर? क्या हुआ कबूतर को? वो तेरी की इसके पैर, इसके देखो यहाँ पे ना हल्दी वगैरह लगा दी हुई। पीछे से देखो यार कैसे बीमार हुआ। गो ने खाया इसे? एक तो हमारे यहाँ पे गो बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे इधर खेत वगैरह खेतों में से आती रहती है, और हमारे चूज़े भी मिल गए। जब चूज़े हमारे बीमार हो गए थे ना, वो उनको हमने यहाँ पे अलग रख दिया क्योंकि यहाँ पे इनके ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह हो रही है। या अगर इनके साथ मिक्स हो जाए कबूतर भी, वो और कबूतर के साथ मिक्स हो जाए, तोते भी एक चूज़े भी इनके साथ मिक्स हो जाए, तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी। और इसी तरह मुझे इसने बताया और कबूतर कहाँ है हमारे, दिखाओ हमारे कबूतरों के पास चलो। और जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर है ना, उनके कबूतरों को लेदर रखा हुआ है। पत्नी किसका बच्चा है, ये चूज़ा है, उसको भी चोट लगी हुई, लेकिन वो चलने काबिल नहीं है, इसलिए उसके माँ बाप उसे चौका वगैरह देते हैं, इसलिए उसे यहाँ पे छोड़ा हुआ है। दोस्तों देखे जैसे कि कबूतर को कुछ लेदर किया हुआ है। तू क्यों रो रहा है, क्या हुआ तुझे? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आंसू साफ कर, आंसू साफ कर, कोई बात नहीं, दोबारा हम और नहीं, सही हो जाएगा। इधर आ, इन्हें ध्यान से रखना होगा तो ये सही हो जाएंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इन्हें ध्यान रखना है और इन्हें मेडिसिन वगैरह प्रॉपर देनी है, दवाई देनी है और खाना वगैरह देना, ये हो जाएगा सही। ये कबूतर भी हो जाएगा सही और ये चूज़े भी सही हो जाएंगे। इन्हें, इनके पास हमने बाजरा भी रखा हुआ है और दवाई भी रखी हुई है, और इधर भी बाजरा भी रखा हुआ है क्योंकि बाजरा इसमें रखा था हमने, तो इसने गिरा दिया शैतान ने, लगता ठीक हो गया इसलिए, लेकिन फिर भी इसे लेदर रखा हुआ है ताकि बीमार औरों को ना कर दे। इसलिए अभी चूज़े वाले दो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कुछ ये थोड़ा सुस्त नज़र आ रहा है, इसने अभी दवाई का असर नहीं हुआ, लेकिन हम इसे प्रॉपर दवाई दे रहे तो उस वजह से ठीक हो जाएगा ये। ये देखो जैसे कि इधर के पास क्या हुआ, ये हो जाएगा यार, दो तीन दिन में हो जाएगा, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इनको अपनी फैमिली के साथ मिला देगा, वो देखो पीछे वाला लग रहा है सुस्त हो गया, नींद आ रही है, लेकिन ये इतने एक्टिव होते हैं इसकी तरह, जैसे ये है एक्टिव लेकिन उसे नींद आ रही, सुस्ती वगैरह तो इसी वजह से आ रही है क्योंकि बीमार है। ये दो तीन दिन में, ये दो तीन दिन में बेटा उनके साथ मिला देंगे, जो जहाँ पे इनके और ज़्यादा चूज़े ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे और ज़्यादा चूज़े इनके साथ मिला देंगे, जो इसके फैमिली है ना, फैमिली के साथ मिला देंगे। ये चूज़े और हमारे यहाँ पे हमने मिट्टी डाल दी है ताकि ये खुरज खुरज के यहाँ के कीड़े मकोड़े खाएं, जो इनकी भरपूर गिज़ है। इतना ये शौक़ से वो नहीं खाते बाजरा, इतना ये वो खाते हैं कीड़े मकोड़े, इनकी भरपूर गिज़ है, मतलब वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है इनके, प्रोटीन वगैरह सब कुछ, इसी वजह से ये ज़्यादा शौक़ से बाजरे से ज़्यादा कीड़े मकोड़े पसंद करते खाना। मिट्टी हमने इसलिए डाली ताकि कीड़े मकोड़े होते और ये खा लें प्रॉपर। और ये हमारा किसान है, ये भिखारी भी नहीं है, ये हमारे देखभाल करने वाला है बच्चा है, जो बहुत ज़्यादा देखभाल करता है चूज़ों की। तो फिर दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना मेरी वीडियो को, और हमारे कबूतर और चूज़ों के लिए दुआ करना ताकि वो ठीक हो।